वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डिजाइनर निशात मिर्जा और हम सीख रहे हैं फ्री ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स। फैशन डिजाइनिंग के इस सीरीज में हम सीख रहे हैं इलस्ट्रेशन, आज का टॉपिक है, और सब्जेक्ट है डिजाइन टेक्निक एंड अप्रोचेस, और आज का सब्जेक्ट टॉपिक है लिप्स। ओके, कल हमने नोज को ड्रॉ करना सीखा, उससे पहले हमने आईज को ड्रॉ करना सीखा था। ये सारे लिप्स एंड ईयर को सीखेंगे, फिर फेशियल एक्सप्रेशन। ओके गाइस, तो आज ये वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको फ्रंट लिप्स पोज एंड साइड लिप्स पोज एंड उसमें जो 1/3 लिप्स पोज को बता रही हूँ, उसमें जो टाइप्स ऑफ पोज होते हैं वो बताऊंगी, एंड जो माउथ होता है, जो ओपन माउथ होता है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, एंड क्लोज माउथ को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। मेरा मन था कि मैं आपको ईयर्स को भी ड्रॉ करना बता दूं, बट आधे घंटे की क्लास में मैं लिप्स को ही कवर अप कर पाऊंगी। मुझे आपको पूरा वन बाय वन लाइक अ बिगनर्स स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है, 1 2 3 4 5। अभी तक जो मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं, सारे बच्चे बहुत सेटिस्फाइड हैं और सभी को सारा फेस को बनाना आ रहा है, और बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं कि मैम हमें इस तरीके की क्लास की तलाश थी, और थैंक यू वेरी मच, आप सब बहुत सिस्टमेटिक वे में लेके चल रहे हो, सिखा रहे हो, देन उसको आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो और बता भी रहे हो, और उसको क्लास में प्रैक्टिकली भी करा रहे हो, एंड देन सबमिट पोर्टफोलियो एंड देन असाइनमेंट चेक, सारा बहुत सिस्टमेटिक। काफ़ी लोगों ने मुझे इसके लिए अप्रिशिएट किया है, थैंक यू वेरी मच उन लोगों का जो अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है क्योंकि आधे घंटे में मैं आपको कितना कुछ बता रही हूँ, आपको खुद लग रहा होगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो लिप्स से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से लिप्स के टाइप। बहुत इजी है, पैनिक होने की नीड नहीं है। कुछ लोगों को नोज ड्रॉ करनी नहीं रहे, आईज ड्रॉ करनी नहीं रहे, बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। बट कुछ लोग बहुत गंदा कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी में हैं, जैसे सीख करके जस्ट वो मनीष मल्होत्रा, रितु बैरियन जो बड़े बड़े डिजाइनर हैं उनकी कैटेगरी में आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। सब परफेक्शन में टाइम लगता है। ओके, आप इलस्ट्रेशन करेंगे, बहुत बेस्ट इलस्ट्रेशन करेंगे, इसीलिए मैं डायरेक्ट, अगर आप ए टू इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं उसके लिए अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं ना, देन आप स्टार्ट करते हैं टेंसेस पे, उसके बाद आप जो है पूरा का पूरा सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो जस्ट लाइक इन लर्निंग टू एनी लैंग्वेज, फैशन डिज़ाइनिंग का ये सारे स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे प्लस पॉइंट मेरी क्लास का ये है कि आपके स्कूल कॉलेजेस में जो स्कूल गोइंग, जो फैशन स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जो इंस्टीट्यूशन अटेंड किया हुआ है, उनके स्कूल में भी पोर्टफोलियो का अभी आई थिंक स्टार्ट नहीं हुआ होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सारे इंस्टीट्यूशन क्लोज हैं, कोई प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं करा रहे, बट मेरी इस क्लास में आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और पोर्टफोलियो भी रेडी कर रहे हो। ओके, तो प्लीज़ प्लीज़ Have patience, again and again, I am saying that please have patience and be practice, a lot of practice, you became a successful, after lot of practice, you became a successful designer, okay, अपना work देखिए, अपने work में improvement कीजिए, okay guys, अब start करें आज की class। ओके गाइस, तो लिप्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले, उसके बाद में फिर इसको 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, देखिए अब। ओके, 2 सेंटीमीटर अप, ये हमारा माउथ। अब इसको क्या करना है, आप जानते ही हो इसको, हाफ हाफ हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और इसको डिवाइड, देखिए हो गया। अब इसको फिर हम बीच में क्या करेंगे, बहुत इजी है, आप लोग सीख जाएंगे, देखिए देख लिया आप लोगों ने, ये मैं आपके लिए डायरेक्शन भी दे रही हूँ, देखिए ये बहुत जरूरी है आप लोग सीखें, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्या करना है आपको, यहां से एक छोटा सा कर्व लेकर के सी दिस, देखिए
ठीक। अब ये वाली जो लाइन है मिडिल, इसको यहाँ पे हमें हल्का सा कर देते हुए, हल्का सा इसे कर देते हुए ये सेंटर लाइन पर, ये देखिए कुछ ऐसे। अब आपने देखा होगा हमारे जो लिप्स हैं उसमें कुछ रिंकल्स होते हैं, लाइक दिस सी, कुछ ऐसे। ओके, ये ठीक है। ये जो है हमारा ड्राइंग ऑफ माउथ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसाइड की तरफ आपको आउटलाइन करनी है। इनसाइड सब इसको भी आप थोड़ा सा कर देते हुए, इनसाइड में ही आउटलाइन करेंगे। अगर आपने इसको आउटसाइड में आउटलाइन करेंगे तो ये थोड़ा मोटे लिप्स हो जाएंगे, बहुत जो अच्छे नहीं लगेंगे देखने में, ठीक है। अब इसमें यहाँ से थोड़ा सा कर्व, ये देखिए, ठीक है गाइस। बाहर के साइड जो हमारा हल्का सा बस शेप आना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज सीख जाएंगे ना तो परफेक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप होगा, ठीक। अब यही वाला पोज हम इसको साइड में, ये इन वाले ये जो लिप्स दिख रहे हैं इसको हम साइड में कैसे दिखाएंगे, ये देखिए आप। यहाँ पर हमें 1 इंच बस आधा कर देना है उसको, ठीक है। मैंने आपको जैसे सेम प्रोसेस हाफ का वही है कि जिस तरीके से आप नोज को बनाया ड्रॉ किया था ना, वैसे ही आप इसको भी। अब यहाँ पर 2 इंचेज दिखाएगा और यहाँ पर ये हाफ इंच 1 इंच हो जाएगा। 1 इंच की लेंथ लेकर के ये आपका अब यही इसको क्या करना है, इसको भी हाफ कर देना है। स्केल का यूज जरूर करिए जब तक आप बिगनर्स हैं, स्केल के बगैर आप, मैं हैंड से भी ड्रॉ कर सकती थी बट आपको, आपके लिए मैं स्केल यूज कर रही हूँ। देखा, अब क्या करना है आपको, यही लाइन आपको सेम यहां से थोड़ा सा कर देते हुए, ये देखिए, ठीक। अब क्या करना है, ये यहां से लिप्स आपको दिख रहा है ना, सब लोगों को बना रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आई थिंक बहुत बच्चे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे किसी ने बोला मैम आपके साथ साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, हम कॉपी लेकर के बैठते हैं। आई एम वेरी हैप्पी उन स्टूडेंट से जो सच में मेहनत कर रहे हैं और इसका फल उनको ज़रूर मिलेगा, इसमें वो परफेक्शन उनमें खुद आएगा, ठीक है। ये लिप्स है, इसको कुछ इस तरीके से लेना है। अब लोअर लिप्स के लिए देखिए, दिख रहा है सबको, बना रहे हैं सब लोग, गुड। सी ये देखिए, ये आपके लिए आउटलाइन, इसको शेडिंग, ओके, बहुत ज़रूरी है। मैं 2B पेन आपके लिए डार्क पेंसिल यूज़ कर रही हूँ बट मैं जब, क्योंकि आपको ईजिली दिख जाए, देखिए, ओके। अब वही सी जो हमारे लिप्स में रिंकल्स से होते हैं, ओके, लाइटली, बहुत स्लाइट, ये देखिए, ठीक है गाइस।
आ गया समझ में डायरेक्शन, मैं आपके लिए फॉलो कर दे रही हूँ ये, एंड इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम एज इट इज, इसकी कॉपी मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग पोस्ट पे दूंगी, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अब इसको अगर हम 1/3 यही वाला, अगर हम 1/3 ये होगा साइड पोज, अब इसको अगर 1/3 थोड़ा तिरछा करके अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम कैसे करेंगे, क्या करना है हमें, लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन क्या करनी है हमें, कितनी रहेगी, थोड़ा कम होगी। इस वाले पोज में जो हमने लाइन ली थी वो ली थी 4 सेंटीमीटर, बट हमें 1/3 दिखाना है तो हमें इसमें थोड़ा 0.5 सेंटीमीटर कम कर देना है, यानी 3.5 को हमें कर देना है इसमें, ठीक है। आ गया, अब लेकिन इसकी ब्रॉडनेस रहेगी सेम 2 इंचेस। गुड, समझ में आ रहा है सबके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे पोर्टफोलियो में चाहिए। मैं सर्टिफिकेट ज़रूर दूंगी सबको, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलने वाले हैं, डोंट वरी। बहुत से लोगों ने गलत एड्रेस, गलत आईडी, गलत फ़ोन नंबर डाले हैं। मेरा जो सॉफ्टवेयर है सबका एड्रेस प्रूफ सब चेक कर रहा है, जिसका जेन्युइन होगा उसी को सर्टिफिकेट उसका मेल आईडी पर पहुंचेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी सही आईडी, सही फ़ोन नंबर करिए, अदरवाइज सर्टिफिकेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं। गलत नेम से मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करूँगी, ध्यान रहे सबको। अब इसको क्या करना है, 1/3 के लिए हमें 1/3, ये हमारा हाफ है, ठीक है, 3.5 है। अब इसको हम 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, बस ये देखिए 1 सेंटीमीटर ये, देखिए 1 सेंटीमीटर इसका जो है हाफ। क्या करना है, ये आपको डायरेक्शन बता दे रही हूँ, आपके लिए मुझे डायरेक्शन भी करना पड़ता है जिससे आपको इजीली समझ में आए। देखिए इस तरीके से आपको ये 1/3 का इसमें आ रहा है, इसमें अंदर के साइड शेडिंग करते जाइएगा, 1/3 है ये, दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा होगा, आई थिंक आना चाहिए, बहुत इजी है, कोई इतना पैनिक होने की नीड नहीं है। कोई मैं आपको स्कॉलर इतना ज़्यादा, आपको पता है जब मैं पढ़ती थी तो कितना ज़्यादा सख्ती होती थी, मेरी शीट को मेरे सामने मेरे मुंह पे मैम फाड़ देती थी अगर गलत होता था तो, और मैं आगे रोया करती थी, मैम ने क्या किया। बात जानो, मैं आपको कुछ नहीं कहती हूँ, इतने प्यार से पढ़ा रही हूँ। अब देखिए लोअर लिप्स, देखिए अब इसका 1/3 का आ रहा है, कितना ईजी है। और कुछ बच्चे सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, टच वुड नज़र ना लगे, वो ऐसे ही अच्छा वर्क करते रहें और मुझे उम्मीद से ज़्यादा बना करके दे रहे हैं। मैम आई एम बेस्ट ऑफ लक बच्चों, गुड लक। मैं जो भी अच्छे डिज़ाइनर्स होंगे मैं उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दूंगी। अमेज़ॉन पे मैं डिज़ाइनर हूँ, मेरा अपना ब्रांड है, उसके बारे में मैं बताऊँगी फिर कभी। स्नैपडील, अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट, इन तीनों जगह मैं अपना कलेक्शन सेल आउट करती हूँ। जो मेरे साथ आके वर्क करना चाहें वो कर सकते हैं, वेलकम। ये देखिए 1/3, समझ में आ गया सबको व्यू। अब इसके बाद में जो है मैं आपको एक और बताना बता रही हूँ, जो हल्का सा माउथ खुला होता है, देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेम लाइन हियर एंड सेम हियर, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, मैं आपको ओपन माउथ होता है उसे बता रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए सीखिए आप लोग, जितना सीखेंगे उतना अच्छा है। अब ये लाइन जो है हमारा, आप एक चीज देखिएगा, इसमें हमने सीधी लाइन ली है, यहाँ पर हमने सीधी लाइन ली है, बट इसको हमें थोड़ा कर्व देना है। कैसे कर देंगे, देखिए ये ठीक है, यहाँ से कर्व देते हुए, और इसको भी हमें यहाँ से
कर देते हैं लाइट कर, और थर्ड वाले को भी हमें कर देते हुए, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इतना इजी है, इतना इजी मेथड मैं आपको बता रही हूँ, इतना ये देखिए, एक मिनट, इस कर्व को हमें थोड़ा लाइन से ऊपर लेना रहेगा, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से सेंटर हमारा ये है, डायरेक्शन हियर, ठीक है। अब ये देखिए, ये ठीक है, यहाँ से देखिए, ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें कर देना है, और इसको लाइटली लिप्स का कर देते हुए, आउटलाइन अंदर की तरफ शेडिंग मैं साथ साथ करती जा रही हूँ क्योंकि टाइम कम होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, अब ये वाला देख रहे हो आप लोग, ये लाइन, यहाँ से इसको ऐसे, ठीक है। इस अब क्या करना है आप लोगों को, देखिए लिप्स के लिए ये लाइन मैं आपके लिए रफ कर दे रही हूँ जिससे आपको लिप समझ में आ सके, ओवरलैप करते हुए निकलेंगे इसको, ये देखिए अभी हमारे ओपन लिप्स, मैं इसको यहाँ से ये देखिए एक्स्ट्रा लाइन सब रफ कर दीजिए, अब इसको क्या करना है देखिए कुछ इस तरीके से जो हमारे शेड्स होंगे इसमें हम दो जगह लाइक दिस एंड सी, ये हमारा ध्यान से, ये आपके पोर्टफोलियो में जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है पोर्टफोलियो, क्योंकि आप कहीं अगर जा रहे हो, कहीं भी सिखा रहे हो, किसी को सिखाओगे या फिर कहीं जॉब के लिए जाओगे, तो जो स्टूडेंट हैं उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ यही रहता है, उनके अपने कलेक्शन, उनका थीम कलेक्शन, अभी वो स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने अप्रेंटिसशिप की हुई होती है जहाँ जिसके जिसमें एज अ जिसके अंडर में काम किया होता है उसका थोड़ा सा होता है, ये देखिए। अब इसको हम हाफ आधा हम कैसे दिखाएंगे, आधा इसको करना है, देखिए ये देखिए एंड टू ऐसे, बहुत इजी है। आप इसको हमें थोड़ा ये मैं इसको ऐसे आपको बता रही हूँ कैसे रहेगा, अभी भी बहुत बहुत लोग बहुत स्लो प्रोसेसिंग में सीख रहे हैं आई थिंक, बट होता है ऐसे, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, कछुए की और आपने खरगोश की कहानी सुनी होगी, क्या करते हैं खरगोश हार जाता है और जो स्लो प्रोसेस वाले होते हैं वो जीत जाते हैं, होता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, तो मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं है, कुछ इस तरीके से जाएगा ये, ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके से ये जाने वाला है,
ये देखिए आपको शायद समझ में आएगा, इस तरीके से आपको भी बनाना है। और मिड में आपको क्या करना है, मिड में आपको वही करना है जो करते हैं, इसको हाफ ऑफ करना है। ओके आप क्या करना है, स्लाइटली थोड़ा बेंड करना था, सी दिस, ठीक है। अब इसको ये देखिए, यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जो स्क्वायर, अब इसको अंदर वाला जो स्क्वायर है इसको हम इरेज करते हैं। अंदर वाले स्क्वायर को इरेज कर दीजिएगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ठीक, देखिए यहाँ से, ओके। अब ये देखिए नीचे वाला जो लिप्स है कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है, बिल्कुल इसको शेप देंगे, कुछ ऐसे। हम इसको शेप देते हुए स्लाइटली बन, अब इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, यहाँ से ये देखिए, ये आपका साइड व्यू हो गया। अब इसी को वन थर्ड में हम कैसे दिखाएंगे, वन थर्ड के लिए कितनी लाइन थी यहाँ पे, वन थर्ड के लिए देखिए, अब वन थर्ड के लिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए इसको सीखिए, इलस्ट्रेशन का ही बहुत इम्पोर्टेंट फेशियल फीचर बड़ा बनाना बता रही हूँ, लेकिन जब फेस रेंडरिंग बताऊंगी तो छोटे में ही बताऊंगी, ध्यान रहे। अब इसको 1 सेंटीमीटर पे हमें क्या करना है, देखिए 1 सेंटीमीटर वही हमें करना है, ठीक है, वन थर्ड व्यू के लिए देखिए, ठीक है गाइस, ये देखिए कुछ ऐसा आएगा। अब इसको लोअर लिप्स के लिए, ये देखिए, अब ये सारी एक्स्ट्रा लाइन्स को रफ कर देती है, इरेज करिए इसको, सारी की सारी लाइन्स जो है आप इसको ये आपका वन थर्ड व्यू है, इसमें फिर वही लिप्स को ये बन गया आपका, ठीक है गाइस। तो ये सारे व्यूज हैं लिप्स के, ये सारे आप उसमें कर लीजिएगा। तो आपने देखा आज हमने क्या बनाना सीखा, हमने लिप्स को बनाया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं, बट इसको ऐसे ही रखिएगा, दूसरे में कलर करिएगा। जब मैं आपको फेस को रेंडर करना बताऊंगी तब मैं आपको भी बताऊंगी किस तरीके से लिप्स में कलर होता है, क्योंकि पूरा पोतते नहीं है, इस तरीके से लिपस्टिक नहीं लगाते, थोड़ा सा शेड्स होता है कुछ, उसका भी तरीका होता है, वो सब मैं आपको बताऊँगी।
और आई थिंक क्लास में तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि जो मैसेजेस मिल रहे हैं, ज्वाइनिंग हो रही हैं, दे आर हैप्पी विद माय क्लास, एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग माय वर्क. मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा वर्क करें. आप ये वाला पोर्टफोलियो, आप अपने जो फाइल है उस पोर्टफोलियो वाला जो बनाया वर्क किया है, इसको अपने फाइल में लगाएं, जब देखें तो आपको लगे हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट है. ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं. कल फिर से एक अच्छा ब्लॉग लेकर के आऊँगी. फिर फीचर्स कंप्लीट, आई थिंक पूरे कंप्लीट हो गए हैं. कल हैंड्स पर हम वर्क करेंगे, कल हम हैंड पे वर्क करेंगे और सीखते हैं कुछ अच्छे से बनाना किस तरीके से होता है. ओके, कल तक के लिए फिर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस एंड बी पंक्चुअल. 12:30 बजे मैं 12 बजे ऑनलाइन आती हूँ, सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, इंस्टा पे करूँगी. बट डोंट फोर्स मी कि मैम प्लीज़ रिप्लाई, मेरा काम देखो, मुझे रिप्लाई करो. मैं इंस्टा पे आ करके सबका वर्क को एवेल्यूट करूँगी. मैं यूट्यूब पर वर्क को एवेल्यूट नहीं करूँगी, मैं इंस्टा पे लाइव आऊँगी सबके नाम के साथ, सबके वर्क के साथ में. वहाँ उनको आपका बताऊँगी कि आपने क्या क्या किया हुआ है. सो गाइस, तब तक के लिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए. ओके, बाय बाय, बिंदास रहिए. Time.